हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है? आपने देखा होगा कि हर साल हमारा देश का बजट आता है। तो बजट में क्या होता है? बेसिकली हमारा फैब के मंथ में ही आता है। बुक्स में फर्स्ट ऑफ फैब लिखा हुआ है। डेट तो फर्स्ट फैब होती है, लेकिन फर्स्ट फैब को आता नहीं है। इन बिटवीन द मार्च, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 15 फैब से पहले पहले आ ही जाता है। तो हमारा गवर्नमेंट बजट क्या होता है? बजट बेसिकली गवर्नमेंट क्या दिखाती है, गवर्नमेंट उसमें यही तो दिखाती है कि हमने पिछले साल क्या किया और अब हम आगे आने वाले साल में क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट या तो कमाती है या खर्च करती है। गवर्नमेंट या तो हमसे टैक्स वगैरह लेती है या हमारे ऊपर, हमारे लिए रोड बनवाना, ये करना, वो करना, खर्च करती है। तो गवर्नमेंट के दो ही काम है, खर्च करना प्लस कमाना। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट बजट क्या होती है, आपने देखा होगा टीवी में फाइनेंस मिनिस्टर होती है एंड वो पेज होता है उनके पास, वो उनसे लाउडली पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट बजट में हमने ये किया, वो किया, ये लेके आए, वो लेके आए। सो बेसिकली ये जस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है। और इवन इस साल तो हमारा डिजिटल बजट आया था। ठीक है, तो मतलब कि पेज नहीं था, फोन में टैब में पूरा के पूरा बजट था। तो गवर्नमेंट बजट हमारा क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि शो करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किस शो करता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है। किसकी? गवर्नमेंट की, ऑब्वियसली। किस लिए? पिछले साल उसने क्या किया और वो आने वाले साल में क्या करने वाले है। तो ये हमारा बजट क्या शो करता है? गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या किया प्लस कमिंग ईयर में गवर्नमेंट हमारी क्या करने वाली है। ठीक है, तो इसके बेसिकली दो एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का काम है या तो खर्च करना या फिर कमाना। तो गवर्नमेंट बजट में क्या बताती है कि हम यहाँ यहाँ खर्च करने वाले हैं और यहाँ यहाँ से हमारे पास रिवेन्यू आने वाला है। गवर्नमेंट हमारी यही शो करती है। तो खर्च जब गवर्नमेंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या शो करती है अपने एक्सपेंडिचर में कि वो कहाँ पर गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है। ठीक है, और रिवेन्यू में कहाँ से उसके पास इनकम आने वाली है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट बजट लाती क्यों है। क्या बात आती है कि हमारी गवर्नमेंट बजट क्यों लेके आती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रीजंस है, बजट लाने से क्या हो जाता है। ठीक है, और बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या आता है बजट के अंदर। तो गवर्नमेंट हमारी बजट क्यों लेके आती है? सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि गवर्नमेंट का एम क्या होता है बजट लाने के लिए, वो करेंगे। सो बात करें अगर हम गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन वैसे तो 5 मार्क्स में आ जाता है कि एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, लेकिन कभी कभी कोई भी एक पॉइंट 3 मार्क्स में भी आ जाता है जिसपे हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है एक पॉइंट को 3 मार्क्स के अंदर। सो बुक्स में छोटे छोटे होते हैं और बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि छोटे से पॉइंट को हम 3 मार्क्स में कैसे एक्सप्लेन करें, लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से, हमारे गवर्नमेंट बजट के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से कि गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है GDP ग्रोथ, कि गवर्नमेंट का एम होता है एक्सेलरेशन ऑफ GDP, ज़्यादा से ज़्यादा GDP को बढ़ाना। यही तो हमारी देश की गवर्नमेंट चाहती है, हमारे देश की क्या, हर देश की गवर्नमेंट यही चाहेगी कि उनकी GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकती है? देखो, गवर्नमेंट रिवेन्यू के थ्रू तो भाई कर नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट अपने कमाई का साधन, तो लोग गवर्नमेंट कमाती कहाँ से है, हमसे ही कमाती है गवर्नमेंट टैक्स लगा के। अगर गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू पे फोकस करे, अपनी कमाई पे फोकस करे, तो लोगों पास तो पैसा ही नहीं बचेगा। लोगों पास पैसा नहीं बचेगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे और फिर हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, GDP नहीं बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट इसीलिए GDP के एक्सेलरेशन पे, गवर्नमेंट मेन हमारा जो कंसेप्ट होता है, हम होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट कहाँ खर्च करने वाली है। तो GDP ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट बताती है, अगर आपने कभी बजट सुना हो तो, कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री को इतना पैसा देने वाले हैं जो कि यूज़ होगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास इतना पैसा जाएगा। तो वो सब क्या होता है हमारा, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्चा लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों को काम देने के लिए। लोगों को जब गवर्नमेंट खर्चा बगड़ेगी, जब गवर्नमेंट रोड बनवाना, ये करना, वो करना, तो लोगों को काम मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट रोड बनवा रही है तो रोड पे काम कौन, सरकार तो आगे करती नहीं है, लोग करते हैं, तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों पास एम्प्लॉयमेंट। जब लोगों पास एम्प्लॉयमेंट आएगी, इनके पास इनकम आएगी। जब लोगों के पास इनकम आने वाली है, जब लोगों पास इनकम है तो लोगों को क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। और जैसे ही डिमांड ज़्यादा करेंगे, हमारी देश में आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो लोग, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो सप्लाई ज़्यादा देगा। तो इस तरह हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में इस तरह से हमारी GDP ग्रो करती है। क्योंकि GDP का क्या ही होता है, GDP ग्रोथ मतलब आउटपुट ग्रोथ, मतलब प्रोडक्शन का ज़्यादा होना,
प्रोडक्शन कब ज्यादा होगा, जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट खुद करे, तो वो क्या करती है, वो प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस करती है, फोर्स करती है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। अब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है थप्पड़ मारती है प्राइवेट सेक्टर, चलो भाई इन्वेस्टमेंट करो, नहीं, गवर्नमेंट टैक्सेशन सब्सिडीज के थ्रू क्या करती है, उनको उनको मतलब उनको एनकरेज करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इन्वेस्टमेंट कर सके हमारी कंट्री के अंदर। सो हमारी गवर्नमेंट, आई थिंक आपको जीडीपी ग्रोथ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर, अगर ये 3 मार्क्स में आ जाए तो आप इजीली पूरा डिटेल में डिफाइन करके लिख सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट में, अगर पूरा शॉर्ट में डिफाइन करना है, तो गवर्नमेंट का ग्रोथ के, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है बजट के थ्रू जीडीपी को ग्रो करना, और जीडीपी को ग्रो करने की दो ही मतलब कि दो ही वेज है, दो वे में गवर्नमेंट हमारी जीडीपी ग्रो कर सकती है। फर्स्ट बाय मेकिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट खुद ही इन्वेस्टमेंट करे। सेकेंड बाय इंड्यूसिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस करे कि वो एनकरेज करे कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये था हमारा जीडीपी ग्रोथ। अगर हम बात करें सेकेंड ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट के, कि हमारी गवर्नमेंट बजट का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वो होता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को अलोकेशन करना, मतलब रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं अलोकेशन, मतलब कि हमारे देश में लिमिटेड ही रिसोर्सेज है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स है। अब गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि उन रिसोर्सेज को हम ज्यादा यूज करें, हम प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा यूज करने दें, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर को यूज करने दें तो हम क्या करें कि वो अच्छी चीजें बनाएं, वो बनाएं जिससे वेलफेयर हो, वो उन चीजों पे कम फोकस करें जो सिर्फ रिच क्लास लेते हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज को अलोकेट करती है थ्रू द बजट, कि कितने रिसोर्सेज को वो खुद यूज करने वाली है, कितनों को वो प्राइवेट सेक्टर को देने वाली है, और फिर आगे उनसे किस गुड्स का प्रोडक्शन होने वाला है, और उन गुड्स को कैसे प्रोडक्शन कम करना है, कैसे ज्यादा करना है, वो सब हमारा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें अलोकेशन, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर प्रॉफिट व्हाइल गवर्नमेंट इन्वेस्ट फॉर वेलफेयर, अगर गवर्नमेंट सारा के सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दे तो प्राइवेट सेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, और सोशल वेलफेयर पड़ा रह जाएगा, कोई सोशल वेलफेयर नहीं होगा, सिर्फ अमीर क्लास लोगों को फायदा होगा, रिच जो पुअर है वो बेचारे खाना भी नहीं मिलेगा उनको। तो गवर्नमेंट का क्या मोटिव होता है, कि वो सोशल वेलफेयर करे, जबकि प्राइवेट का मोटिव होता है कि वो क्या करे, प्रॉफिट कमाए। लेकिन हमारे देश के लिए दोनों ही चीजें जरूरी है, हमारे लिए प्रॉफिट भी जरूरी है और हमारे लिए सोशल वेलफेयर भी जरूरी है। तो अब अगर गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू, जो गवर्नमेंट बजट लेके आ रही है उसके थ्रू वो बैलेंस बना के रखती है प्रॉफिट में भी और वेलफेयर में भी, दोनों साथ साथ चले, प्रॉफिट भी हो वेलफेयर भी हो, गवर्नमेंट का ये एम होता है। अब जैसे कि मैंने बात करी, गवर्नमेंट क्या देखती है कि वो रिसोर्सेज प्राइवेट के हाथों में ज्यादा दे, खुद के पास ज्यादा रखे, फिर देखती है कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, कौन सी का कम होना चाहिए। अब हमारे देश में बहुत सारी डेंजरस गुड्स भी हैं, स्मोक, अल्कोहल, ये सब है, ठीक है। अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अगेन ये तो कहेगा भाई बंद करो, नहीं बनाना, एंड प्राइवेट सेक्टर ऐसा मानेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिस्करेज करती है डेंजरस गुड्स का प्रोडक्शन बाय यूजिंग द टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट अल्कोहल पे देखो आप, सिगरेट वगैरह पे देखो, हर साल जितनी बार बजट आता है उतनी बार ही टैक्स बढ़ती है क्योंकि गवर्नमेंट का एम होता है इन गुड्स का प्रोडक्शन डिस्करेज करना। वो अलग बात है, डिस्करेज होता नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से लोगों के लिए हैबिट बन चुकी होती है अल्कोहल लेना और सिगरेट्स वगैरह पीना। उसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो अच्छे गुड्स हैं, जो वेलफेयर करते हैं लोगों का, उनका जो है प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, और उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो ये होता है हमारा अलोकेशन ऑफ रिसोर्स के अंदर, कि गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है, कौन से गुड्स पे एलोकेट करना है। पब्लिक सेक्टर के पास ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, गवर्नमेंट को बैलेंस करना होता है वेलफेयर और प्रॉफिट के बीच में, क्योंकि कंट्री के लिए प्रॉफिट भी उतना ही जरूरी है, कंट्री के लिए वेलफेयर भी उतना ही जरूरी है। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है हमारी जो डेंजरस गुड्स को बनाने के लिए, और उसके थ्रू वो कैसे डिस्करेज करती है, टैक्स लगा के, ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग कम बनाएंगे। वहीं अगर एनकरेज करती है दूसरी गुड्स को थ्रू द सब्सिडी, जैसे सोलर पावर प्लांट गवर्नमेंट ने एनकरेज करे, कैसे 30% 40% कितनी बड़ी बड़ी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी। अगर हम थर्ड की बात करें, थी थर्ड ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का हमारा क्या होता है, वो होता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड्स का वो कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट रोड बनवाती है, यूनिवर्सिटीज बनवाती है। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, कि जो कलेक्टिवली यूज किए जा सकते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा
पब्लिक गुड्स पे फोकस करेगी, एक तो जीडीपी बढ़ने वाली है, दूसरी लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिलने वाली है, तीसरी लोगों का सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का फोकस क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड्स को एनकरेज करना। और पब्लिक गुड्स को वो क्यों एनकरेज करती है, ताकि कलेक्टिव नीड्स ऑफ पीपल को सेटिस्फाई किया जाए, कि लोगों की कलेक्टिव नीड्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई किया जा सके। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें कि फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारी गवर्नमेंट का क्या होता है, तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि डिवाइड करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से डिवाइड करना इनकम वेल्थ। अब आज नई सरकार आई है, ठीक है, अब पहले से तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम का, रिच के पास ज्यादा पैसा है, पुअर के पास इतना भी नहीं है कि बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट ये चाहेगी कि रिच क्लास से ज्यादा के ज्यादा पैसा हो और वो पुअर क्लास के पास मतलब कि रिच से लिया जाए, पुअर को दिया जाए। तो दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो गवर्नमेंट का क्या होता है, एक एम होता है, क्योंकि हमारे देश में इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में नहीं, हर देश के लिए ये जरूरी है कि इनइक्वालिटी कम से कम हो, इक्वालिटी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा हो, अच्छा हो, ये बेस्ट भी होता है हमारी इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट अब यूं तो करेगी नहीं कि जो रिच क्लास है उनसे सीधा पैसा खोसा और पुअर क्लास को बांट दिया, गवर्नमेंट कांट डू दैट, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है इनकम और वेल्थ का, यूजिंग द टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी प्रोग्रेसिव टैक्स जैसे कि होते हैं कि गवर्नमेंट जो है कि अगर आपकी इतनी प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ये अगर आपकी इनकम सपोज इतनी है तो आपको इतना टैक्स भरना है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका टैक्स इनकम के साथ बढ़ जाएगा, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इससे क्या होगा कि पुअर के ऊपर कम टैक्स होगा जबकि रिच के ऊपर ज्यादा टैक्स। जब गवर्नमेंट पास टैक्स ज्यादा होगा तो वो टैक्स, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है उसको वो कहाँ लगाती है, ऑब्वियस सी बात है लोगों पे ही तो लगाती है, पब्लिक गुड्स का बनाना, ये करना, वो करना, ठीक है। तो जब रिच क्लास से पैसा निकलेगा पुअर के पास जाएगा, तो वो गवर्नमेंट कैसे करती है, टैक्सेशन। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि अभी कुछ टाइम पहले स्कीम थी कि सब्सिडी छोड़ो, रिच क्लास वालों से सब्सिडी छुड़वाई सिलेंडर वगैरह की, और पुअर क्लास को वही चीजें फ्री में उज्ज्वला योजना के थ्रू लेडीज को सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो यही किसके अंदर आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के अंदर, कि गवर्नमेंट रिच क्लास से ले रही है पैसा और पुअर क्लास को दे रही है, ताकि हमारे देश में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बहुत जरूरी है एक वेलफेयर स्टेट के लिए, कि हमारा देश एक क्या है, वेलफेयर स्टेट है, उसका एम होता है कि लोगों का वेलफेयर हो सके। सो अगर हम बात करें बुक में क्या लिखा है, टैक्स एंड सब्सिडी का गवर्नमेंट यूज करती है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम के लिए। इक्विटेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल स्टेटस, क्या है, ये एक सोशल स्टेटस का साइन है इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, जो वेलफेयर स्टेट का एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। मतलब हमारे जैसा देश, हमारा देश क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो जो DPSPs वगैरह है, हमारा देश में क्या है, एक वेलफेयर स्टेट, क्या हमारा फोकस होता है वेलफेयर के ऊपर, इक्विटेबल और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ क्या होता है, रीजन वर्ड सुना होगा, RESUN वाला नहीं, REGION, रीजन क्या होता है ये, रीजन एरिया मतलब कि एरिया, कोई भी क्षेत्र, बैलेंस मतलब कि बैलेंस, रीजनल डेवलप ग्रोथ मतलब कि जितने भी एरिया हैं उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो, इक्वल हो, बैलेंस्ड हो। देखो, गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहती, गवर्नमेंट नेवर वॉन्ट्स कि कुछ ही एरियाज डेवलप्ड और कुछ बाकी सभी एरियाज अंडर डेवलप्ड हो। गवर्नमेंट का एम ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरियाज ही डेवलप्ड हो, बाकी के सारे एरियाज क्या हो, अंडर डेवलप्ड हो। गवर्नमेंट का एम हमेशा होता है कि हमारे देश के जितने भी रीजन्स हैं वो सभी के सभी इक्वली डेवलप्ड हो। गवर्नमेंट का फोकस होता है कि जो रीजन्स, जो एरियाज बैकवर्ड हैं, जो अभी तक डेवलप नहीं हुए, उनको डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो इसको, उनको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप खुद सोचो। तो उनको डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑब्वियस ही बात है, वहां खर्चा, वहां पे जाके गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगा दे तो वहां के लोगों को काम मिलेगा और वो एरिया धीरे धीरे डेवलप, या वहां जाके कुछ टूरिज्म से रिलेटेड गवर्नमेंट कर दे तो वहां के एरिया डेवलप होंगे। लेकिन गवर्नमेंट पास ऐसा इतना पैसा भी नहीं है, इतनी मैन पावर भी नहीं है कि गवर्नमेंट खुद जाके, और आपने देखा भी होगा कि पब्लिक सेक्टर्स जो हमारे होते हैं उनको इतना प्रॉफिट भी नहीं होता, जनरली लॉस में ही चलते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, प्राइवेट सेक्टर को इंड्यूस करती है कि वो इन्वेस्टमेंट करें बैकवर्ड एरियाज में। अब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को बोलेगी, जाओ भाई उस बैकवर्ड एरिया में जाके तुम
इन्वेस्टमेंट करो, तो प्राइवेट सेक्टर मानेगा नहीं मानेगा, उसको भी तो कुछ फायदा चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लिबरल टैक्स पॉलिसीज का यूज करती है, मतलब कि भाई अगर तुम उस एरिया में जाके अपना प्रोडक्शन करोगे तो हम तुमको 3-4 साल तुमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, या तुमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, इस तरह के गवर्नमेंट प्रोविजंस लेके आती है जिससे कि हमारी बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, इन्वेस्टमेंट हो सके बैकवर्ड एरियाज में वो प्राइवेट सेक्टर करें, और जैसे कि गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट का एम होता है बजट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो वो गवर्नमेंट कैसे करती है, जैसे मैंने जीडीपी ग्रोथ में बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट, जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगी लोगों को काम मिलेगा, जब लोगों को काम मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करती है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सके तो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स भी लेके आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, जैसे कि मनरेगा। हर साल हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फंड अपना, कुछ ना कुछ बजट का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर देती है मनरेगा स्कीम को, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो ये हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट क्या करती है, जनरेट करती है थ्रू द गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये क्या है कि हमारा नहीं, मतलब कोई भी इकोनॉमी है उसके अंदर अलग अलग टाइम पीरियड्स आते हैं, बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है। जैसे कि कोरोना आया तो मंदी की सिचुएशन थी, रिसेशन, डिप्रेशन वाली सिचुएशन, कि ना डिमांड थी ना सप्लाई थी। ठीक है, तो ये ट्रेड साइकिल्स होती हैं, ये हर इकोनॉमी में आती है, ये बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल हर इकोनॉमी में आती है, रिसेशन, बूम हर इकोनॉमी में आता है, हम सिर्फ हमारे देश की नहीं, हर एक में। तो कोई भी देश की गवर्नमेंट है हमेशा उसका एम होगा कि इन ट्रेड साइकिल्स से अवॉइड किया जाए, हमेशा हमारी स्टेबिलिटी बन रही, ना हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा हो ना हमारे में डिफ्लेशन ज़्यादा हो, क्योंकि इन्फ्लेशन भी खतरनाक है और डिफ्लेशन भी खतरनाक है, हम कहाँ हो स्टेबिलिटी में हो। तो गवर्नमेंट का एम क्या होता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इन बिजनेस साइकिल्स को अवॉइड, बिजनेस साइकिल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो ये हमारा होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में गवर्नमेंट के मेन एम क्या होते हैं, कि वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो लाए लेकिन साथ में जीडीपी का एक्सेलरेशन, जीडीपी की ग्रोथ भी हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी गैप ना हो, जैसे हमने डेफिसिट और एक्सेस डिमांड में देखा। तीसरा, इनइक्वालिटी में रिडक्शन हो। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट के बजट के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे, और सो आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।